देखिए आशीष जी, मैं आपको बी पोलन के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि हमने पोलन ट्रैपर लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल मल्टी करके ये मक्खी मधुमक्खियाँ अपने पाँव में लगा के लेके आ रही हैं, और ये हमारी पोलन ट्रे है। इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर अभी कम है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मक्खियाँ की स्ट्रेंथ कम है। अभी मैं दूसरे बक्से में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मक्खियाँ जाती हैं और आती हैं। मक्खियों के लिए जाने और आने के लिए इतना ही स्पेस होता है कि वो स्वयं खुद ही जा सकें और खुद ही आ सकें। अगर साथ में कुछ थोड़ा सा भी अगर उनका एक्स्ट्रा है तो वो इसके अंदर छूट जाता है। ये है हमारा बी पोलन। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, ये अभी बिल्कुल तरोताज़ा है। ये अगर तरोताज़ा है, ये इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे तो ये ऐसे पीस जाएगा, आटे जैसा बन जाता है ये, जैसा हमारा आटा होता है। ये बिल्कुल ताज़ा है इसलिए, लेकिन इसको बहुत ड्राई करना पड़ता है, इसको सुखाना पड़ता है, उसके बाद ये बिल्कुल इतना टाइट हो जाता है जैसा कि आप मेथी का दाना होता है ना, सेम वही दिखता है और उतना ही ये टाइट हो जाता है। ये देखिए, ये सिस्टम है, प्रोसीजर है हमारा सारा पोलन निकालने के लिए। क्या थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसने इसीलिए ज़्यादा इकट्ठा किया है। उसके अंदर हमारी मक्खियों की संख्या कम थी, उसने कम इकट्ठा किया है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम आज से 7 से 8 दिन पहले इसी बक्से का हमने शहद निकाला था, और अब लगभग ये तैयार होने वाला है। 7 से 8 दिन बाद फिर हम इनका शहद निकालते हैं। ये देखिए, लगभग इसमें भी तैयार हो ही चुका है। ये देखिए, ये जो ऊपर है ये सारा हमारा सील्ड हनी है, और ये नीचे जो हमारा है सारा, ये ब्रूड है सारा का सारा। ये वही सीलिंग, इसको काट के मशीन में डाल के वही सारा सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ओके। Okay.